हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन आईडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 36 साइज़ 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी, वो भी इंच टेप की सहायता से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा मेन फेब्रिक है, ठीक है, और ये अस्तर वाला फेब्रिक है। तो हम इसका ब्लाउज़ बनाएंगे 36 साइज़ का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस अस्तर को खोल के रख लेंगे अपनी तरफ। तो ये मेरा 1 मीटर कपड़ा है, ठीक है, तो इसके अंदर हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो ये मैंने अपनी तरफ इसे खोल के रख लिया है। इधर फोल्डेड साइड है और इधर ओपन साइड है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे से हमारा कपड़ा एकदम सीधा होना चाहिए। तो सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयार लेंथ मैं ब्लाउज़ की रखूँगी 14 इंच, ठीक है। तो इसमें 1 इंच मैं प्लस करूँगी मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लेंगे हम 15 इंच, ठीक है। तो 15 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो 36 साइज़ के लिए हम शोल्डर लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। शोल्डर 5.5 इंच लेना है हमें, ठीक है। और आर्महोल हमें यहाँ लेने हैं 5.25 इंच। 5.25 इंच आर्महोल लेने हैं। शोल्डर लिए मैंने 5.5 इंच और आर्महोल लिए है 5.25 इंच, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना होता है। तो 36 चेस्ट साइज़ का 4th पार्ट कैसे लेंगे, मैं आपको इंच टेप की सहायता से भी बता देती हूँ। देखिए, 36 है, ठीक है। तो अब हम इस इंच टेप को 2 बार फोल्ड करेंगे। तो ये 1 बार फोल्ड हो गया और ये 2री बार फोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग उसका 4th पार्ट निकाल सकती हो। तो ये देखिए, ये मेरा 9 इंच आ रहा है ना, तो 36 चेस्ट साइज़ का 4th पार्ट 9 इंच ही होगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच ले लेते हैं और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई वाले मार्जिन के लिए, ठीक है। तो अब इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट का नाप ले लिया, अब हम यहाँ पे कमर का नाप लेंगे, ठीक है। तो कमर है 30 इंच, तो उसका भी 4th पार्ट निकालेंगे। तो 30 इंच का हम 4th पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे 30 इंच आ रहा है। उसी तरीके से निकालना है जिस तरीके से चेस्ट का निकाला था ना। तो इसको 2 बार फोल्ड करेंगे। तो ये 1 बार फोल्ड हो गया और ये 2री बार फोल्ड हो गया। तो इसका 4th पार्ट आया है हमारा 7.5 इंच, है ना, 7.5 इंच। कमर का नाप लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और बैक पार्ट्स में हमारी प्लेट्स लगती है दोनों तरफ 1/2 इंच की, ठीक है। तो 1 इंच हम उसके लिए लेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे लाइन को। यहाँ पे गोलाई देंगे, ठीक है। तो गोलाई किस तरीके से देते हैं, देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें 1/2 इंच लेना होता है बाहर की तरफ। 1/2 इंच बाहर की तरफ लिया, इसको इससे मिला दिया। और यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई देनी होती है। तो 1 इंच की गोलाई देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये टोटल हमारी जो गोलाई है वो 1.5 इंच की आ जाएगी, 1.5 या 1.75 इंच की। इस तरीके से हम गोलाई देते हैं। हम यहाँ पे लेंगे गले की, अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 2 इंच और यहाँ से लंबाई रखेंगे हम 9 इंच, ठीक है। और आप लंबाई है वो आपके अकॉर्डिंग जितने आप रखना चाहते हो उस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। मैं 9 इंच ले रही हूँ और यहाँ से चौड़ाई लेंगे 3 इंच। चौड़ाई इसकी 3 इंच रखेंगे
और अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे। हम यहाँ पे और अब हम यहाँ पे हाफ इंच के यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। हमारा जो बैक पार्ट्स का नाप है वो एकदम कंप्लीट हमने ले लिया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको एक चार्ट के बारे में भी वीडियो बना दूंगी, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कितने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमें कितने तो शोल्डर और आर्महोल लेने चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको चार्ट की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी वीडियो सच में आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है, फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हाई हुक की पट्टी के लिए, ठीक है। तो हाई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच लेंगे। अब इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये हाई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच ले लिया मैंने। अब हमें क्या करना है कि इस बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, हाफ इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर रखना है हमें, ठीक है। और इसकी मार्किंग कर लेनी है एज इट इज़, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ मार्किंग कर ली। अब हमें क्या करना होता है कि बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं ना, तब हमें नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट ब्लाउज के लिए। नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्महोल की तरफ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। हाफ इंच क्यों लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि आर्महोल की तरफ हमारी प्लेट्स आती है तो हाफ इंच की होती है, तो उसके लिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और नीचे की तरफ बेल्ट ब्लाउज में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ भी हमारी जो प्लेट्स है वो 1.5 इंच 1 इंच की आती है, 1 इंच की आती है, इसीलिए क्योंकि नीचे की तरफ भी हमारी जो प्लेट्स है वो 1 इंच की आती है यहाँ पे, है ना, इसीलिए ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ब्लाउज़ बनाते हो तो एकदम परफेक्ट बैठता है आपका फिटिंग वाला, कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा नहीं होता है। हम यहाँ पे आर्महोल की तरफ गोलाई देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले शोल्डर लेंगे हम, फिर से 5.5 इंच, आपको ये हाफ इंच छोड़ते हुए लेना है, ठीक है। और आर्महोल लेंगे हम 5.25 इंच, तो शोल्डर और आर्महोल लेने के बाद में अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ से बाहर वाली जो गोलाई है वहाँ से हमें हाफ इंच लेते हुए इसकी गोलाई देनी है अंदर की तरफ। तो देखिए हाफ इंच की हम यहाँ पे गोलाई देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से गोलाई देने से हमारे यहाँ पे आर्महोल की तरफ कोई भी सेल या क्रश नहीं आता है, इसलिए हमें ये गोलाई देनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ के अनुसार हमारी जो बेल्ट की कटिंग है ना वो अलग अलग होती है। तो इस ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो मैंने 14 इंच तैयार रखी थी और 1 इंच प्लस किया था मैंने मार्जिन के लिए, तो 15 इंच, और फ्रंट पार्ट में हमने 16 इंच लिया था। तो इसके लिए बेल्ट की कटिंग अलग होगी। और अगर आप जैसे 13 इंच तैयार रखते हो तो 1 इंच मार्जिन का आपको प्लस करना पड़ता है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करना होता है, ठीक है, बैक पार्ट्स में। और फ्रंट पार्ट में आपको 15 इंच लेना होता है। तो इस तरीके से उसकी बेल्ट कटिंग अलग होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी बता देती हूँ कि किस तरीके से मैं बेल्ट की कटिंग करनी है। तो आगे की तरफ हमें लेना है 4 इंच और बीच में से हमें यहाँ पे लेना है 3.5 इंच और पीछे की तरफ भी 3.5 इंच लेना है।
अब इन तीनों को मिला देंगे। कि ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है, और अगर आप 13 इंच तैयार रखते हो ब्लाउज़ की लेंथ, तो आपको फ्रंट पार्ट में 15 इंच लेना होता है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3.5 इंच लेना है, और बीच में से 2.5 इंच लेना है, और पीछे की तरफ भी 2.5 इंच लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, तो पीछे के जो गले की चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी थी, तो यहाँ पे भी 2 इंच रख रही हूँ। और लेंथ रखेंगे हम 6.5 इंच, और यहाँ से इसकी विड्थ लेंगे 2.5 इंच। चौड़ाई जो रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे, और इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे। एक बॉक्स बना लेंगे इसका, और अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे 1/2 इंच की। तो देखिए, ये इस तरीके से हमने फ्रंट का जो नेक है वो बना लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने नेक की कटिंग कर ली है, बट आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमने 2 इंच लिया था वो 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें ये सारे नाप लेने हैं। अब हम यहाँ पे टक्स डालेंगे। तो पहले हम टक्स यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ इंच टेप का मैं सेंटर मार्क करूँगी। और यहाँ से हमें लेंथ में लेना है 2.5 इंच, और ये वाली टक्स की विड्थ रखेंगे 4 इंच, और यहाँ से इसकी लेंथ रखेंगे हम 2 इंच। ठीक है, और 1/2 इंच लेंगे हम दोनों तरफ। तो इस तरीके से 1/2 इंच दोनों तरफ लेना है हमें। तो देखिए, इन दोनों टक्स के जो बीच का गेप है ना, वो 2 इंच का आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी इस वाले टक्स के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और पीछे से इसकी जो लेंथ है वो रखेंगे 2 इंच। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, या 2 इंच, किसी तरीके से। मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ खींच लेंगे, और यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसे आर्मोल की तरफ हम मिला देंगे इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारे टक्स लग चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा इन दोनों के बीच में 2-2 इंच का गेप आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे एक गोल राउंड सर्कल बनना चाहिए। ये हमारे टक्स लग चुके हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की एकदम कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग, अब हम आर्मोल का नाप लेंगे। तो ये हमारा आर्मोल है, वो 9 इंच के लगभग आ रहा है। देखिए, तो ये हमारा आर्मोल है, 9 इंच आ रहा है, 9 इंच। ठीक है, ये इतना कपड़ा मेरा बच गया था, तो अब हम इस पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, फोल्डेड कपड़ा है। ठीक है, तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ मैं 12 इंच, और आर्म होल लेंगे हम यहाँ पे। आर्म होल आया था हमारा 9 इंच, तो पूरा 9 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये लंबी स्लीव्स है, इसलिए इसको हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। तो 3.5 इंच पे हम यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इन दोनों को मिला देंगे, 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें हल्का हल्का राउंड शेप देना है इस तरीके से। हल्का हल्का राउंड शेप देना है स्लीव्स का।
स्लीव्स राउंड लेंगे, 5.5 इंच हमारा स्लीव्स राउंड है और 1.5 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे, तो ये टोटल हमारा हो गया 7 इंच। अब इसको इससे मिला देंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव्स बन चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली तो अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में गुलाई देंगे। तो कैसे देंगे, यहाँ से मैं 1 इंच ले रही हूँ आगे की तरफ से, ठीक है, और पीछे की तरफ हमें लेनी है 2.5 इंच और बीच में से हम 1/2 इंच की गुलाई देंगे। तो 1/2 इंच पे निशान लगाया और इसको मिला देंगे इन दोनों से इस तरीके से। तो ये 1/2 इंच की हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे, तो इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1/2 इंच की हमने गुलाई कट कर ली, तो ये एकदम परफेक्ट गुलाई है हमारी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, एकदम परफेक्ट गुलाई है ये हमारी आर्मोल साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस आप लोगों के काम आ रही है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले जो भी मैं कटिंग की वीडियोस अपलोड करूँ सरल तरीके से, वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।